की मम्मी और आरती इतना रोई ना दोस्तों, क्या बताएंगे। वो वाला वीडियो नहीं दिया बनाने के लिए, नहीं तो हम तो दोस्तों देखिए इधर करो, ऊपर करो, देखिए इधर ऊपर करो ना एक बार, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा इसका आंख वगैरह सूज गया है रो रो के। तो हमको भी बहुत ज्यादा होता है, बट जो है दोस्तों हम उतना ज्यादा टेंशन नहीं दिखा रहे हैं, अभी हंसी लग रहा है। इनके अंदर में क्या गुजर रहा है हम ही लोग जान, हम लेंगे टेंशन तो फिर तो घर में कौन। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है हमारा एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करते कि अच्छे ही होंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, आज ब्लॉग नहीं बना पाए सही तरह, आज का ब्लॉग आप लोग देखे होंगे है ना, मन्नू बारूद पे मतलब डाले थे, आप लोग देखे होंगे कि सही तरह जो है ना ब्लॉग आज नहीं बना पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कल जो है जैसे छठ पूजा कर रहे थे, एक तो छठ पूजा घाट पे भी हुआ था, थोड़ा बवाल हो गया था है ना, इसी कारण जो है नहीं बना पाए थे, सब टेंशन में था। और आप लोग तो जानवे करते हैं दोस्तों कि मम्मी और आरती इतना रोई ना दोस्तों, क्या बताएंगे। वो वाला वीडियो नहीं दिया बनाने के लिए, नहीं तो हम तो हर एक चीज़ जो है चढ़ा देते हैं, आप लोगों को तो वैसे पता है ना, जो भी होता है सो हर एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों बहुत ज़्यादा रोए मम्मी, और अभी जो है खेत चल गए हैं, छोटू के जहाँ स्मारक है ना वहीं पर चल गए हैं। और अभी दिखाते हैं इसका जो ना रो रो के कैसे आँख वगैरह फूल गया था, देखिए इधर इधर देखिए, ओ देखिए कितना ज़्यादा आँख फूला हुआ है, बैक कैमरा करके दिखाते हैं दोस्तों। वैसे तो इतना सारा कपड़ा धोने के लिए है, बहुत सारा काम भी है ना। एक मिनट बैक कैमरा करके इसका आँख दिखाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब फूल गया है ना, और रो रो के बुरा हाल कर लिया ये। तो दोस्तों देखिए इधर करो, ऊपर करो, देखिए इधर ऊपर करो ना एक बार, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इसका आँख वगैरह सूज गया है रो रो के। और ये जो है क्या झूठ बोलोगी, एक बार समझाते हैं यदि जब दोस्तों ये लोग को कि जो चल गया वो वापस नहीं आने वाला है, बट समझ नहीं रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं है? बहुत समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं इनको और मम्मी, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। ये लोग को जैसे टेंशन होता है ना, टेंशन तो हमको भी बहुत ज़्यादा होता है, बट जो है दोस्तों हम उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लेंगे टेंशन तो फिर तो घर में कौन रहेगा संभालने वाला, करने वाला कौन रहेगा है ना। इसके कारण जो है हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं, जो कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना प्यार करते थे सबसे ज़्यादा, आप लोगों को इसे पता नहीं है, खैर कोई बात नहीं, हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता था छोटू को, क्यों पता है दोस्तों, हम सीधा ठान लिए तो हम नहीं पढ़ेंगे तो अपने छोटे भाई को पढ़ाएंगे, और हम अपने दम पे पढ़ाए लिखाए, जो कि बड़े भैया एक भी रुपए नहीं देते थे है ना। तो उसमें जो है हम अपना घर चलाते थे, किस्ता जिस जानते हैं ना, लोन जो लेते हैं तो भरते हैं, उस तरह का तीन चार को लोन चलता था दोस्तों, परेशान हो जाते थे अकेले। तो आज वो चल जाएगा तो कितना ज़्यादा दुख होगा है? जब उनका कमाने का समय हुआ है ना, तो जब चल गया तो कितना दुख होगा, बट यही समझ में नहीं आ रहा है लोग सबको। और मम्मी सबको भी बहुत समझाते हैं बहुत ज़्यादा, बट जो है नहीं समझ पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये देखिए अभी जो है सारा सामान सब जो लाए हैं, ये देखिए सारा सामान सब जो ऐसे पड़े हैं, और जो भी मतलब सेब सूब था बाल बच्चा थोड़ा बहुत खाए है ना, जो भी था बहुत सारा वैसे था, ये सब जो भरा था ना आप लोग देखे हैं कि पित्तल का सूप में सब 9-10 को सूप था टोटल मिला के, सब भरा हुआ था फल से। और ये गलती कर दी है कि वहाँ पे गए नहीं अभी तलिक छोटी के स्मारक पर, वहाँ पे भी चढ़ाना था है ना, तो अभी हम चलेंगे ना वहाँ पे चढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को दिखाएंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहे, देखते हैं मम्मी है कि नहीं द्वार पे, खेत चल गई है पता नहीं दोस्तों। अब इसी यही सब टेंशन हो जाता है दोस्तों ना, वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन देखिए खुश रहते हैं ना तभी वीडियो बन पाता है, ऐसे वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, अगर जब हमको टेंशन हो गया ना थोड़ा सा भी हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। है मम्मी है हो आरती जी है नहीं है, देखिए इधर नहीं है ना, द्वार ऐसे खाली है, आरती जी आए हैं कपड़ा लारने के लिए यहाँ पे द्वार पे, धूप में जो है ना धूप इधर है तो सूख जाएगा है ना, कपड़ा लार रही है। ये भी क्या करेंगे दोस्तों, बेचारी ये भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अकेली काम करने वाली है, अभी देखिए कपड़ा धो के और जितना भी इधर जो है द्वार सब जो है साफ करेंगे, देख सकते हैं उधर है ना।
आंगन द्वार हर एक चीज साफ करेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाए होंगे तो बर्तन वगैरह धोएंगे हर एक चीज की। धो ली बर्तन? बर्तन धो लिए हैं, बस कपड़ा धो के उसके बाद झाड़ू सब लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। दोस्तों इसी में टाइम हो जाएगा, 4-5 बज जाएगा शाम, फिर कोई काम नहीं हो पाता है, क्या करेंगे, इसी में समय गुजर जाता है दोस्तों, और कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल पाते हैं हम लोग को, और घर बैठे रहते हैं, है ना, दूर पर कहीं से भी नहीं आ पाते हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग कहीं सहारे हम लोग हैं, है ना, अभी तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाएं। और देखिए इधर बड़े पापा आए हैं अभी मिलने के लिए, क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ बड़े पापा? मोबाइल चोरी भाग लगा, मोबाइले चुरा लिए हैं दोस्तों इनका, पता नहीं कौन लिया है नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए हम यहाँ पे बैठ गए थे, फिलहाल तो मम्मी सब नहीं है, नहीं दिखा पाएंगे, वो लोग खेत गए हैं। और यहाँ पे देखिए आरती जी कपड़ा धो के बैठ गई है, थोड़ा सा आराम कर रही है, और सिस्टर देखिए छोटी वाली, है ना, फिलहाल ये सब भी बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए, याद आते मतलब बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए अगर याद नहीं आता तो नहीं रोते, है ना। इधर देखिए सिस्टर का मुंह कैसे हो गए हैं, बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आरती जी खुद बताएंगे कि दीदी का चेहरा देखिए किस तरह हो चुका है, जो कि आप लोग देखे होंगे पहले वाला वीडियो में, की हो आरती जी इसका चेहरा कितना अच्छा था ना, क्या कीजिएगा, आदमी का शरीर है ना, एक बात सही, एक हाँ एक समान तो नहीं है होता है, है ना, हमको भी पता है, टेंशन है यहाँ पे भी उसी तरह का, बच्चे सब का भी देखिए इधर फेस किस तरह हो गया, जो कि देखने में कितना क्यूट लग रहे थे, इधर फुंसी फांसी ये वो तबीयत, फुंसी बड़ा बड़ा हो गया, सब इसका टेंशन होता है ना, अकेला जान है, था क्या कीजिएगा, यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे क्या ऐसे हाथ था, इधर देखिए ऐसे हाथ था, इधर देखा हाथ, इधर देखिए ऐसे हाथ, अभी हंसी लग रहा है, इनके अंदर में क्या गुजर रहा है हम ही लोग जानते ना, बाहर से तो दोस्तों मुस्कान पे क्या छिपल रहता है ना, मुस्कान जो मुस्काते हैं हाँ, क्या छिपल रहता है वो तो पता चल ही जाता है, चेहरा तो अपने बता देते हैं क्या छिपल है, भले कितनों आदमी हंसे क्यों नहीं, जैसे मान लो आप हो हैं बाहर से हंसती हो लेकिन आंख वगैरह फूली है, पूरा पूरा फूल गया आंख, न किधर है फूल गए ना, करें तो दोसर के समझावे क्या कीजिएगा, वही ना बताए क्या करेंगे, नहीं कहाँ कोई बात नहीं, फुंसी फांसी है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ना, आज तो इंजेक्शन दिलाए दोस्तों इनको भी, बहुत ज्यादा डरती है बाबू, उधर रो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि मतलब इस तरह टेंशन नहीं लेने, हम बहुत समझाते हैं लेकिन मेरा बात एक भी नहीं सुनती है ये, और सिस्टर और मम्मी, मम्मी तो नहीं है, कैसे झूठ, रात में भी कितना रो रही थी हमें, एक कितना समझाए, कितना बहुत ज्यादा समझाए बट ना एक बार भी नहीं समझी, तो हम इसमें क्या करेंगे, रोने वाला बात में कितनों आदमी समझाते थोड़े ना रुकता है, फिर अपने आप को संभालते तब रुकता है, ऐसे तो हो गया, हाँ तो फिर भी जैसे घर का गार्जियन हुए ना आप, तो आप समझा के रखोगे तो नहीं ना, है ना दीदी, हैं चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों खैर आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों छोटू जी को जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे ना छठ पूजा का, तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, जाएंगे स्मारक के पास, और दोस्तों स्मारक तो अभी नहीं बना है बट जो है देखते हैं अगर मनी उनी हो जाएगा तो बढ़िया से स्मारक बना देंगे वहीं पे साइड में रोड साइड में, तो मतलब पूजा पाठ करने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों। मम्मी तो बोल रही थी घर के सामने, लेकिन वो भी तो अपना ही ज़मीन है, तो वहाँ अगर स्मारक बना देंगे तो सही रहेगा, है ना, तो उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसीलिए जो है जल्दी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, है ना, थोड़ा टेंशन भी है और इधर केस वगैरह हर एक चीज़ चलता है, तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों, है ना, तो इसी कारण जो है फिलहाल ये वीडियो यहीं अंत करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, अभी तो आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि शाम हो चुका होने वाला है दोस्तों, है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।